नहीं सीरियसली, वैसे तो मैंने ये मीम बहुत बार यूज किया है, लेकिन आज ये सबसे ज्यादा सूट करने वाला है। नहीं राजदीप सर और रिया दीदी, मतलब तुम दोनों को, तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? नहीं ये दोनों इतने ज्यादा फुद्दू एक्टर्स थे ना, मतलब कि अंधा भी देख के बता देगा कि ये फेक इंटरव्यू है यार। राजदीप भाई ने तो एक्टिंग की मां बहन ही खत्म कर दी, मतलब ओवर एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए राजदीप ने। तो रिया तो बोल रही होगी भाई मैं तो फिर भी ठीक कर रही थी, अपना पोर्शन तो संभाल लेता। मतलब एक आदमी इंटरव्यू ले रहा उस लेडी का जो इस टाइम पर सबकी रेडार में है, जो कि सुशांत के मर्डर की सस्पेक्ट है, सबसे खतरनाक वाली, वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आ रही किसी चैनल पर, और हमारे चचा उससे कैसे सवाल कर रहे हैं वो देखो। आप अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में हमें बताइए, कब मिले, कैसे मिले, ये रिलेशनशिप शुरू कैसे? भोसड़ी के इंटरव्यू चल रहा है क्या ये? अबे अपनी लॉन्डिया से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा है क्या? नहीं सीरियसली, मतलब राजदीप ही मिला तुम लोगों को इस इंटरव्यू को लेने के लिए? नहीं मैं तो यार तुम लोगों को डायरेक्ट चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सीरियसली उससे घटिया चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा मैंने उतने चूतिया चैनल। बड़ा हरामी हो बेटा। उसके बावजूद भी तुम लोगों को एक फेक इंटरव्यू रचना है? चलो रच लो, एटलीस्ट स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखो यार। नहीं स्क्रिप्ट ऐसी, 2 घंटे का इंटरव्यू चला है और पूरा टाइम, मतलब सारा का सारा फोकस चैनल का किसके ऊपर था? सुशांत को डिप्रेशन फील करवाने में। ये मेंटल हेल्थ की वजह क्या कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ गया कि यू वर स्ट्रगलिंग टू डील विद द फैक्ट कि सुशांत जो है मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, क्या ये कहीं एक वजह थी? आप दोनों, आप कह रही हैं आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार के बीच जिस तरह से डिप्रेशन उन्हें हो रहा था, कहीं ना कहीं क्या ये एक तरह से आपको धीरे धीरे दूर हटाने लगा? अरे बहनचोद भोजपुरी पिक्चर की कहानी रच रहे हो क्या? व्हाट्सएप डिलीटेड चैट्स रिलेटेड टू ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन पूछो ना भाई। सैमुअल को हैश और वीड के बारे में क्यों पूछना था ये पूछो। भुवनेश्वर में कैसे मिलती है वीड अच्छी वो पूछो भाई। पूछो ना भाई, ये थे मेन सवाल। क्यों मांग रहा था सैमुअल हैश और वीड? कैसे पता दीदी को कि भुवनेश्वर में सबसे अच्छी ड्रग्स मिलती है? ये है सवाल पूछने वाले। और यहाँ चचा को लव स्टोरी से फुर्सत ही नहीं मिल रही है यार। अरे चचा। और नहीं मतलब स्क्रिप्ट के दौरान रिया को सहानुभूति दिलवानी थी पूरे के पूरे देश से, इसीलिए तो ये इंटरव्यू रचा गया था। और क्या था स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कि भाई मुश्किल से ये 2 या 3 बार ही रो पाएगी, क्योंकि भाई जब दिल से रोना ना आ रहा हो तो रोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैमरामैन भाई तू डायरेक्ट फोकस मारेगा मुंह के ऊपर, जहां वो रोएगी या कोशिश भी करेगी तुझे डायरेक्ट फोकस मारना है उसके चेहरे पर, पूरे भारत को दिखनी चाहिए एक एक बूंद, तभी तो सहानुभूति आएगी। अरन एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर। आर यू कॉमेडी मी? आर यू सीरियसली कॉमेडी मी? नहीं मेरे को एक और सवाल है, मतलब अगर बच्चा एक दिन छुट्टी मार ले तो अगले दिन वो भी प्लान्ड करके जाता है भाई अच्छे से कि सर को चूतिया कैसे बनाना है, क्या बहाना मारना है। और यहाँ ये भाई साहब और ये दीदी दोनों के दोनों एक फेक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, जिस इंटरव्यू पे पूरे के पूरे भारत की नजर है, पूरे भारत ने पूरी रिसर्च कर लिया सुशांत से रिलेटेड, एक एक चीज का पता है, और तब भी दीदी कितनी टॉर से झूठे पे झूठे आंसर फेंक के मार रही है। जी यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है। अब कितनी चूतिया बात है कि दीदी का ये कहना है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है हमारे सुशांत को, उसको एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है यार। मतलब कितनी टॉर से बोला भाई, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है, कितनी टॉर से बोला है कि वो अपने पास ना एक मेडोफिनल नाम की टैबलेट रखता था, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेता था। मतलब इतना गट्स लेवल कहाँ से लाता है? इतना तो मेरे अंदर नहीं है भाई, जो मुझे प्लान कैंसिल करना होता है दोस्तों के साथ, मैं भी थोड़ा सा हिचकिचा के झूठ बोलता हूँ। और दीदी का ये झूठ तो उसी टाइम पकड़ में आ गया जब अंकिता लोखंडे, शी इज अ ट्रू जैम यार, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, तुम देखो। लेकिन 6 महीने से मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस चाहिए उड़ाने का प्लेन।
हाँ तो वो मैं अब जब तक नहीं लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। मतलब जो इंसान एरोप्लेन चलाने की बात करता है, स्पेस सूट तक पहना है अपने सुशांत ने, स्काई डाइविंग की है, कुछ तो स्क्रिप्ट में चेंजेस लाते हैं यार, थोड़ा सा तो रियल लगता। एक्टर्स दोनों के दोनों फुद्दू, स्क्रिप्ट भी महाफुद्दू, और बंदा भी वो चूज किया जिसने पूरी जिंदगी अपनी बजवाई ही है। राजदीप सरदेसाई की थोड़ी सी अपन क्लिप्स वगैरह पे नजर मारेंगे। थियोरिटिकल पोजीशन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हिच वाज इजीयर टू मैनेज? लेट मी कंप्लीट, यू डोंट हैव दिस हैबिट, आई एम सॉरी टू टेल यू एंड रिमाइंड यू, यू आर इंटरफेरिंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्लीज हैव द नेसेसरी कर्टसी, डोंट इंटरप्ट, आई एम सॉरी टू टेल यू। I am not eager to appear on the screen. Sir. No, you have invited me. Firstly, you cannot raise your voice. My apologies. बेइज्जती का भी एक लेवल होता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट से बेइज्जती करा के बैठा है आदमी। नहीं मतलब अपने राजदीप सरदेसाई चचा इतने खतरनाक वाले बीकेवी रिपोर्टर है ना, जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अब चचा अपने मोदी साहब की टांग खींचने पे लगे हुए थे, फिर क्या सैवेज रिप्लाई मिला वो भी देख लो। ये किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरदेसाई को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इस नहीं, मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल सुनना पड़ेगा भाई जी। नहीं मतलब अब तुम इस ट्वीट की तरफ नजर डालो अपने सरदेसाई चचा की। कोविड केसेस की प्राइसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर की प्राइसिंग, फ्लड वाटर की प्राइसिंग, डोंट वरी, ऑल इज वेल। सीबीआई टीम हैज रीच्ड मुंबई, सुशांत केस, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब भोंसड़ी के सीबीआई के मुंबई आने से कितनी चुल मच रही अपने चचा को, कितनी चुल। अचानक से कोविड केसेस की याद आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट की याद आ गई, अबे येड़े। और खुद चचा दिल्ली से मुंबई पहुंच गए इंटरव्यू लेने, एक फेक लेडी का एक फेक इंटरव्यू रचने। और अब सबसे बड़ी बात, अपने बिहार से आईपीएस विनय तिवारी जी जब पहुंचे मुंबई तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया। मतलब तुम साजिश देखो, यहीं से सब क्लैरिफाई हो रहा है यार। वो पहुंचे मुंबई तो बस कर दिया उनको क्वारंटीन, क्योंकि सबके सब माफियाज मिले हुए हैं, पैसा बहुत है भाई, पुलिस वाले मुंबई के सब मिले हुए हैं, तो बस क्वारंटीन कर दिया अपने आईपीएस विनय तिवारी सर को। और जब ये बुढ़ाव यहां से निकलता है मुंबई रिया का फेक इंटरव्यू लेने, तो डायरेक्ट इसको बिठा दिया उसके सामने, लो जी लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं सीरियसली सर, आर यू कॉमेडी मी, आर यू कॉमेडी मी। अबे उल्लू के पट्ठों, एक दो को फुद्दू बनाना फिर भी चलता है, पूरे भारत की नजर है इस चीज के ऊपर, अभी कैसे चूतिया बनाओगे। नहीं चलो, मतलब इस सब चीजों से एक चीज तो पता लग रही है कि अपनी रिया दीदी को मतलब बुढ़ों को ही देने में मजा आता है इंटरव्यू। भाई गंदी सोच, कुछ भी सोचते रहते हो। नहीं अर्नब गोस्वामी को देते ना इंटरव्यू, इतनी ही चुल मची थी देश के सामने सच्चाई रखने की। तो बात। नहीं तुम उस पूरे 2 घंटे के इंटरव्यू में कोई भी सुन के, जस्ट वीडियो भी ना देखो, सुन के बता देगा भाई कि किसी एक डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है इंटरव्यू को। पूरे इंटरव्यू में कोई काउंटर क्वेश्चंस नहीं पूछे हमारे सरदेसाई साहब ने, यहां तक कि जो भी वो बोल रही है ना उसको हाईलाइट कर करके बता रहा, तुम ये देखो। कौन नहीं जानते उनकी फैमिली, उनके फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में, आपने पूछा, आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती है यू हैड, यू इवन थॉट ऑफ मैरिंग हिम, इट वाज अ स्ट्रांग रिलेशनशिप, एन इमोशनल रिलेशनशिप, उनका सुसाइड होता है, उनकी खबर आती है और आप कहती है ना आप उनके घर जाती है और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती है। अबे उल्लू के पट्ठे, हम भी देख रहे हैं, हमें समझ आता है इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है चूते, तूने पूरा प्लान फ्लॉप करा दिया दीदी का। स्क्रिप्ट का तुम लेवल देख रहे हो, मतलब जो बातें सारे देश को पता लग चुके, जो बाहर आ चुके, एटलीस्ट उनको तो हाईलाइट करते हैं यार, थोड़ा तो रियल लगता। क्यों मारेगा पेड मीडिया भाई, खतरनाक तरीके से बिका हुआ है आदमी, इसका तो हिस्ट्री बहुत खतरनाक है। 2-4 लिंक्स प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत ही नहीं है, जाके देखना। नहीं सीरियसली मुझे अभी भी ये सोच सोच के हंसी आ रही है कि दीदी ने कितने गट्स के साथ बोला था कि सुशांत को क्लोस्ट्रोफोबिया है, घुटन होती है छोटी जगहों से। येड़ी, अबे येड़ी। अब देखो ये इंटरव्यू पेड था है तो सबको ही पता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अब क्लैरिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में एक उज्जवल त्रिवेदी नाम के चैनल है, सर भी मीडिया रिपोर्टर थे पहले, बड़ी सही और जेन्युइन न्यूज देते हैं, मैंने वहां से सुना, रेफरेंस वहीं से उठाया मैंने। उन्होंने बोला कि पहले ये शर्त गई थी पेड इंटरव्यू की जी न्यूज के पास कि भाई
हम रिया का इंटरव्यू आपके चैनल से करवाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं, आपको उसके फेवर में ही बोलना है, काउंटर क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ये सारी शर्तें रखी थी, ऐसा त्रिवेदी सर ने बताया, तो आप जाके सुन सकते हो उन्होंने क्या बोला। और फिर जी न्यूज ने कर दिया मना, और ये होती है सबसे अच्छी बात एक अच्छे चैनल की। और अब आप समझ ही सकते हो कि एक चैनल है जिससे फुद्दू चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, वो चैनल होता है बिकाऊ, उसने शर्त एक्सेप्ट कर ली और अब तुम्हारे सामने। अब तुम यार फ्यूचर में ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा चैनल है जिसकी न्यूज पे तुम भरोसा कर सकते हो, किसकी न्यूज पे नहीं कर सकते। हमें जिस चैनल का रिपोर्टर राजदीप सरदेसाई जैसा होना, जिसने हर किसी से झंड कराई है, हर किसी से, अब तुम उस चैनल पर जाओगे। एटलीस्ट अब एक चीज सबसे सही मुझे ये लग रही है कि जो भी चीज गलत होती है ना, फटाक से अब ट्रेंड हो रही है, ट्वीट भी ट्रेंड हो रहा है ट्विटर के ऊपर, शेम ऑन यू आज तक, जो कि बेस्ट चीज है भाई। अपने राजदीप सर को इतनी आदत हो चुकी है बेइज्जती करवाने की, मतलब इतनी गंदी आदत हो गई कि एक बार एक ढाबे के अंदर बढ़ गया ऐसी रैंडम ही, और मोदी के खिलाफ बोल रहे थे कुछ, तो क्या करारा पटाखा बजा, वो भी देख लो। ये मानते हैं कि मार्केटिंग कम करनी पड़ेगी मोदी जी को, मार्केटिंग बहुत होती है। अभी आपने कहा कि कभी गढ़ हुआ करता था कांग्रेसियों का ही जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले हाँ। आप एक कार्य बताइए जरा, उन गढ़ का क्या हुआ था उस समय, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, एक कोई कार्य काशी में बताइए जो कांग्रेस ने बहुत अच्छा कार्य किया हो। अभी मैं गिना दूंगा, कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बना, अभी मैं बता दूंगा मड़ुआड़ी बना, अभी मैं बता दूंगा आपको कि सारनाथ से लंका तक इतनी बढ़िया रोड बन गई, अभी जहाँ मोदी जी ने इंटरव्यू दिया था आप वहाँ जाइए एक तिनका नहीं आप गंदगी क्या पाएंगे, गंगा जी पहले से बहुत ज्यादा साफ हुई, मैं आपको तमाम, एक पुल था 17 साल से बन रहा था मोदी अभी योगी जी के समय वो पूरा हुआ, मैं आपको 50 काम बता दूंगा, तो आप कहेंगे इसके बाद इसके अलावा क्या हुआ, ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप कहते हैं कि सचिन ने क्या किया क्रिकेट में 100 सेंचुरी। इसे बोलते हैं गंदी भिगो के मारना। मेरे को शक हो रहा है कि वो जो तैमूर की फोटोज होती है ना, उसने कब खाया, कब पिया, कब भागा, यही जनाब करते हैं उसको कवर, मैं बता रहा हूँ यही जनाब करते हैं उसको कवर। नहीं वैसे मेरे को अभी रिसेंटली पता लगा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया दीदी की एक मस्त वजह है, अब पुठे काम करोगे तो ऐसा तो हो गई, बुरे काम का बुरा नतीजा। Alright guys, so I hope तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा यार, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो, जो जो होता है वो सब कर दो भाई, बट डिसलाइक को इसको छोड़ के इससे बहुत दूर रहना, ये मत करना, बाकी जो करना आता है सब कर दो, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।